आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट डोनट जो कि हम विदाउट एग बनाएंगे। तो यहाँ लिया है मैंने 1 कप दूध जो कि गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, और उसमें मैंने 2 स्पून चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा स्वीट किचन। ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमारी चीनी हो चुकी है मिक्स, और मैं डालूँगी ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, ये लिया मैंने 1 टेबल स्पून, और इसको हल्का सा शेक करके मैं इसको ढक कर रख दूँगी फर्मेंट होने के लिए। ये 10 मिनट में फर्मेंट हो जाएगा, तब तक हम अपनी आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ये मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें डाला है 1.5 कप मैदा, जो कि ग्राम्स में देखें तो 250 ग्राम है, और ये लिया मैंने 1/2 कप पाउडर शुगर, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और 1 पिंच नमक। 10 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर हमारा मिल्क भी फर्मेंट हो चुका है जो कि हमने ड्राई ईस्ट डालकर रखा हुआ था, और अब हम डाल लेंगे इसको अपनी मैदा में और अच्छे से मसल कर इसको एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। गाइस, यहाँ पर मेरा दूध पूरा पड़ चुका है, अगर आपका कम पड़ जाता है तो थोड़ा सा दूध आप और भी डाल सकते हैं। तो देखिए गाइस, अच्छे से इसको मसल मसल के सॉफ्ट डो तैयार करना है। यहाँ पर लिया है मैंने थोड़ा सा बटर जो कि 10 या 15 ग्राम के करीब होगा। देखिए गाइस, इसको ऐसे खींच तान करके इसके साथ अच्छे से इसका सॉफ्ट डो रेडी करना है। देखिए मैं कैसे इसको खींच तान कर रही हूँ इसके साथ, ये भी सोच रहा होगा आज कि मैं किसके हाथों में आ गया। तो यहाँ पे हो गया है हमारा डो रेडी, मैं इसको अच्छे से ढक के रख दूँगी 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मैदा डस्ट करके अब मैं इसको बेल लूँगी। देखिए गाइस, हमारा डो कितना सॉफ्ट रेडी हुआ है बनके। ये देखिए गाइस, मैं ये अपने बेलन से इसको अच्छे से फैला फैला के बेल लूँगी, और जो इसकी थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। और अभी मैं एक कटोरी लेकर इसको गोल गोल डोनट कट कर लूँगी। तो गाइस, मैंने पहले थोड़े से काट लिए थे, और ये दूसरा इसका बैच है। ये देखिए गाइस, बन रहे हैं ना हमारे एकदम गोल गोल डोनट। और ये बाकी का आटा हम दूसरे बैच में तैयार कर लेंगे। और ये लिया मैंने एक नोजल, और इसके बीचों बीच हॉल कर दूँगी मैं इससे, और एक बार में हमारे 4 डोनट कट हो गए हैं। अब मैं लूँगी एक प्लेट, और उसमें थोड़ी सी मैदा डस्ट करके, और इसको ये जो हमारे डोनट हैं इनको 20 मिनट के लिए रख दूँगी। 20 मिनट बाद हम देखेंगे ये थोड़े से और फूल जाएंगे, फिर उसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। और इसी बीच हमने अपना तेल भी गर्म कर लिया था। तो ये देखिए, मैं एक एक डोनट डालकर शैलो फ्राई कर लूँगी। गाइस, यहाँ पर मैंने 3 ही डोनट डाले एक बार में, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डोनट डाल दूँगी तो इनको फूलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और अभी मैं इनको उलट पलट करके अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। ध्यान रखिए गाइस, हमें मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। ये देखिए गाइस, बहुत अच्छे से हमारे डोनट फ्राई हो चुके हैं, और अब मैं इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लूँगी, और अपना दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला है या आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर मेरा दूसरा बैच भी रेडी हो चुका है। गाइस, मैंने अपना ये डार्क कंपाउंड कट करके छोटे छोटे टुकड़े में कट करके उसको अच्छे से चूल्हे पर मेल्ट कर लिया था, डायरेक्ट चूल्हे पर रख के और चलाते हुए इसको मेल्ट कर लिया था। इसमें मैंने व्हिप्ड क्रीम या मिल्क वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। और यहाँ मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है इनको चॉकलेट में कोट करने में। ये देखिए गाइस, अच्छे से हमें एक साइड से इनको चॉकलेट से कोट करना है। सारे डोनट हमें इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। कुछ मैंने वाइट कंपाउंड जो होता है हमारा उसमें डिप किया है, और कुछ ब्राउन चॉकलेट में। तो यहाँ पर हमारे सारे डोनट कोट हो चुके हैं, और अभी मैं जो ब्राउन वाले हमारे डोनट हैं उन पर वाइट चॉकलेट से डिज़ाइन दूंगी, और जो वाइट वाले हैं उन पर ब्राउन से डिज़ाइन दूंगी। तो ये जो वाइट वाले हैं इन पर मैं ब्राउन से ऐसे राउंड राउंड करके और टूथपिक से इन पर डिज़ाइन दूंगी। गाइस, मुझे तो ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, और मैं ज़्यादातर अपने डोनट में यही बनाती हूँ। और आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप अगर कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। और गार्निशिंग के लिए मैं इन पर कलरफुल स्प्रिंकल डाल दूँगी। तो गाइस, 250 ग्राम मैदे में मेरे 15 डोनट बनकर रेडी हुए थे,
और 10 डोनट का मेरा ऑर्डर था जो कि मैंने ऑर्डर में दे दिए और 5 मैंने अपने बच्चों को दे दिए। तो गाइज़ ये है मेरे डोनट का फाइनल लुक, कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। प्लीज़ 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 गाइज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।